25 अगस्त 2017, एक यौन शोषण के आरोप में अदालत ने उसे 20 साल की सजा सुनाई। पत्रकार की हत्या और रेप जैसे गंभीर आरोप के चलते 17 जनवरी 2019 को सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। मैं बात कर रहा हूँ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम के बारे में। एक ऐसा बाबा जो अपने आप को भगवान बुलाता था, लेकिन वही भगवान आज जेल की सलाखों के पीछे है। इस बाबा पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है जिसका नाम है आश्रम, जो कि एक पॉपुलर वेब सीरीज है। आपने ज़रूर से वेब सीरीज देखी होगी। आज उसी वेब सीरीज की एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बाबा राम रहीम, जिसको गुरमीत राम रहीम के नाम से भी जानते थे, एक ऐसा बाबा जो अपने जन्मदिन को लेकर भी विवादों में रहा। गुरमीत राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में एक सिख जाट परिवार में हुआ था। हालांकि ये भी माना जाता है कि गुरमीत राम रहीम का जन्म 10 जुलाई को हुआ था, ना कि 15 अगस्त को। लेकिन बाबा राम रहीम हमेशा अपना जन्मदिन 15 अगस्त को ही मनाता था। ये भी माना जाता है कि गुरमीत राम रहीम का असली नाम हरपाल सिंह है। राम रहीम के पिता का नाम मगहर सिंह और माता का नाम नसीब कौर है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम का जीवन बचपन से ही विवादों में रहा। उसने बचपन में कुछ ऐसे कांड किए जिसकी वजह से उसके परिवारजनों को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वे अपने स्कूल के दिनों में लड़कियों को छेड़ता था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। बाबा राम रहीम लड़कियों को छेड़ने के साथ साथ ही अपने घर के आसपास के लोगों को भी बहुत परेशान करता था। उसकी यही बदमाशियों की वजह से वह 10वीं क्लास में ही फेल हो गया था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत देश की आज़ादी के साथ ही हो चुकी थी। 1948 में शाह मस्ताना जी द्वारा डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की गई, जहाँ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 25 से अधिक आश्रमों की स्थापना की गई, जहाँ पर ध्यान के नाम पर उत्पत्ति सिखाई गई, जहाँ लोगों ने अपने शेष जीवन के लिए 3 सिद्धांतों को स्वीकार किया, जहाँ पर मांस, अंडा और जिलेटिन का सेवन नहीं, तंबाकू, शराब, ड्रग्स और अवैध यौन संबंध नहीं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन्य हैं आप सच्चे गुरु, आप मेरे आश्चर्य हैं। कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण आश्रम में करवाया जाता था। देश की आज़ादी के करीब एक साल बाद ही अस्तित्व में आया था डेरा सच्चा सौदा। आश्रम का मुख्यालय हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित था। आश्रम का साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ था। आश्रम की शाखाएं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा से लेकर यूए तक फैली हुई थी। 23 सितंबर 1990 को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सतनाम सिंह ने देश भर से सत्संग बुलाया और गुरमीत राम रहीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का तीसरा प्रमुख बना। डेरा सच्चा सौदा की कमान राम रहीम ने 90 के दशक में ही संभाल ली थी। गद्दी संभालने के बाद वे भी परंपरा अनुसार सत्संग और प्रवचन देने लगा। इसके नेतृत्व में भक्तों की संख्या में कई बड़ा उछाल देखने को मिला था। राम रहीम ने इस संस्था को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाया। इसके द्वारा कई सकारात्मक सामाजिक कार्य किए गए ताकि लोगों को वे अपनी तरफ आकर्षित कर सके। राम रहीम के कार्यकाल में डेरा का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इनके लोगों की संख्या में कई गुना बड़ा उछाल देखने को मिला। गुरमीत राम रहीम के नेतृत्व में डेरा सच्चा सौदा में कई सकारात्मक और नए नए प्रयोग किए गए। सर्वधर्म की संभावना का संदेश देने के लिए राम रहीम ने अपना नाम गुरमीत सिंह से बदलकर गुरमीत राम रहीम रखा। जाति प्रथा की समाप्ति का आह्वान किया। कई वेश्याओं को अपनी पुत्री का दर्जा दिया। बालिका भ्रूण हत्या के विरुद्ध में अभियान चलाया। खुद को हीरो प्रोजेक्ट बताकर बाबा राम रहीम ने कम से कम 5 फिल्में खुद बनाई थी और कई फिल्मों के प्रोजेक्ट पर वो काम भी कर रहा था। कभी वह गुरु गोविंद सिंह की तरह भेष बनाकर विवादों में आया, तो कभी खुद को भगवान विष्णु बताने के कारण।
लेकिन उसके मामले तब गंभीर होने शुरू हो गए जब उसके आश्रम में साध्वी के यौन शोषण और अत्याचार की कहानियां बाहर आने लगी। उसके खिलाफ कुछ हत्या के मामले भी उछलने लगे थे। ये आरोप उसी के आश्रम के ही लोगों के जरिए बाहर आ रहे थे। कहने को तो उसने दावा किया कि बाबा बनते ही उसने अपने परिवार से किनारा कर लिया, लेकिन उसका परिवार हमेशा उसके साथ रहा। उसकी जिंदगी की कहानी भी उसकी ही फिल्मों की तरह रंगीन और आश्चर्यजनक है। आपको बताते चले कि राम रहीम की दो बेटियां और एक बेटा भी है। बड़ी बेटी का नाम चरणप्रीत और छोटी बेटी का नाम अमरप्रीत है। बेटे की शादी भटिंडा के पूर्व MLA हरमिंदर सिंह जस्सी की बेटी से हुई है। सभी बच्चों की पढ़ाई डेरे की ओर से चल रहे स्कूल से पूरी की गई है। राम रहीम की दोनों लड़कियों की शादी भी हो चुकी है। इसी के साथ बाबा राम रहीम की संपत्ति के बारे में भी बात कर लेते हैं। बाबा राम रहीम के पास हरियाणा के सिरसिया में करीब 700 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड है। राजस्थान के गंगानगर में 175 बेड का उसका एक अस्पताल भी है। इसके अलावा उसके नाम एक गैस स्टेशन और एक मार्केट कॉम्प्लेक्स भी है। डेरा सच्चा सौदा की जमीन और जायदाद का रखरखाव एक ट्रस्ट के जरिए किया जाता है, जिसका मुखिया अभी भी बाबा राम रहीम ही है। ध्यान लगाने के लिए और लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए राम रहीम ने डेरे के अंदर ही एक गुफानुमा अंडरग्राउंड घर बनवाया था। राजाओं के महलों में होने वाले हरम की तर्ज पर वह अपने शिष्याओं में से किसी भी एक लड़की को चुनता और उसे फिर अपने देह उसे समर्पित करने के लिए कहता। इन लड़कियों को डेरे में ही रखा जाता था और उन्हें इंतजार करना पड़ता था कि कब उनकी शादी डेरे के अंदर रहने वाले पुरुष श्रद्धालुओं से करा दी जाए। वो पुरुष श्रद्धालु जो गुलामों की तरह गुरमीत राम रहीम के आदेश मानते थे। डेरा के साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप भी बाबा पर दर्ज है। फतेहाबाद जिले के कस्बा टोहाना में रहने वाले हंसराज चौहान ने जुलाई 2012 में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख पर डेरा के 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का आरोप लगाया था। अदालत के सामने 160 साधुओं का नाम सहित विवरण प्रस्तुत किया गया। यह मामला भी अदालत में विचारधारीन है। अप्रैल 2002, डेरे की एक साध्वी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक शिकायत भेजी थी। साध्वी ने शिकायत में राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मई 2002, शिकायती पत्र को तस्दीक करने की जांच का जिम्मा सेसिया के सेशन जज को सौंपा गया था। दिसंबर 2002, शिकायत सही पाए जाने के बाद राम रहीम के खिलाफ धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया गया था। दिसंबर 2003, इस केस की जांच CBI को सौंप दी गई। जांच अधिकारी सतीश डागर ने केस की जांच शुरू की और साल 2005 और 2006 में उस साध्वी को ढूंढ निकाला जिसका यौन शोषण हुआ था। फिर यहीं से शुरू हुई बाबा राम रहीम की उल्टी गिनती। जुलाई 2007, CBI ने केस की जांच पूरी कर अम्बाला CBI कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अम्बाला से केस की सुनवाई पंचकुला शिफ्ट कर दी गई। चार्जशीट के मुताबिक डेरे में 1999 और 2001 में कुछ और साध्वियों का यौन शोषण किया गया, लेकिन उनका कभी पता ही नहीं चल सका। अगस्त 2008, केस का ट्रायल शुरू हुआ और डेरा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ आरोप तय किए गए। साल 2011 से लेकर 2016 तक केस का ट्रायल चला और डेरा प्रमुख राम रहीम की ओर से वकील लगातार जिरह करते नजर आए। जुलाई 2016, केस की सुनवाई के दौरान 52 गवाह पेश किए गए, जिसमें 15 प्रोसिक्यूशन और 37 डिफेंस के थे। जून 2017, कोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम पर विदेश जाने पर भी रोक लगा दी। 25 जुलाई 2017, CBI कोर्ट ने इस मामले में हर रोज सुनवाई करने के निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाया जा सके। 17 अगस्त 2017, दोनों पक्षों की ओर से चल रही जरह खत्म हुई और फैसले के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की गई। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को इन सब आरोपों में दोषी पाया गया
और साल 2019 में पत्रकार रामचंद्र त्रिपाठी की हत्या के आरोप में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बाबा राम रहीम को रणजीत सिंह हत्याकांड का भी दोषी पाया गया है और वे उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन वे अकेला उम्र कैद की सजा नहीं काट रहा है, उसके साथ 5 आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें सजा पाने वालों में गुरमीत राम रहीम के अलावा कृष्ण लाल, जसवीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल हैं। कोर्ट ने राम रहीम पर 51 लाख रुपये और बाकी आरोपियों पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कुल मिलाकर गुरमीत राम रहीम का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। इसके बावजूद भी उसका राजनीति से बड़ा संपर्क था। डेरा सच्चा सौदा अभी भी उसे अपना प्रमुख मानता है। डेरा सच्चा सौदा के नाम 22 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 44 एशिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, 7 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और 3 लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड हैं। सो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्या आप बाबा राम रहीम के बारे में ये सारी बातें जानते थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।